नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो CUCET PhD एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है, जो आज ही हुआ है एग्ज़ाम 25/5/2019 आज ही है और आज की डेट में ये एग्ज़ाम हुआ है। और इस एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, ये लिमिट का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई 2n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन ए पाई बाई 4, सेकेंड पाई बाई 2, थर्ड पाई बाई 3 एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो पहले आप इसको करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके और पहले आप इसको करके देख लीजिए, तभी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई, अब यहाँ हम देखें, चलो इसको मैं 2n लिख लेता हूँ। अब यहाँ से कोई आइडिया नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे सम करें। यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, यहाँ न्यूमरेटर में n है लेकिन यहाँ n नहीं है, फिर यहाँ स्क्वायर टर्म्स हैं लेकिन यहाँ सिंपल टर्म है, स्क्वायर टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें, इस क्वेश्चन में। और एडजस्टमेंट क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई एन स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस एंड सोन प्लस, इसमें हमने क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड करना है 2n स्क्वेयर। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई एन स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस n डिवाइड बाई एन स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस एंड सोन प्लस एन डिवाइड बाई एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एन स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर एंड सोन एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर फॉर्म में आ गया और एन भी ऊपर आ गया, तो ये हमारे पास एक जो फॉर्म है वो आ गई। अब इस प्रकार के समीकरण को हम कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के समीकरण को हम ऐसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसको सम के फॉर्म में लिख देंगे, n या k हम लिखें, k इज इक्वल टू 1 टू n और n डिवाइड बाई n स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर, ये फॉर्म आई है। फिर हमने इसमें क्या करना है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, n को इन्फिनिटी टेंड करके और फिर हमने इसकी लिमिट निकालनी है। तो हमने यहाँ क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर से न्यूमरेटर को और n स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n और n डिवाइड बाई n स्क्वेयर, और यहाँ भी हम करेंगे n स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर और प्लस k स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर। फिर हमने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n और ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई n और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस k बाई n।
ये आया है ओवरऑल। फिर हमने क्या करना है, इस समीशन को हमने इंटीग्रेशन में चेंज करना है, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इंटीग्रेशन में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो लिमिट है, ये जो एन है और ये जो लिमिट है, यानी कि वन से लेकर के एन तक, तो एक बार एन वन वन बाई एन करेंगे, यानी कि लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन की हमने लिमिट रखनी है, तो यहाँ तो लिमिट के इज इक्वल टू वन है और यहाँ एन है, तो हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि लिमिट बाहर ये जो लगी है इसका हम हिसाब कर लेते हैं कि इसमें हम लिमिट लगाएंगे, वन वन है एक तो और एक है एन, तो क्या करेंगे, ये जो वन है वन के डिवाइड में कर देंगे एन, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, और ये n है n के डिवाइड में कर देंगे n, और फिर n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, तो इन दोनों केस में ही हम लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो क्या हो गया वन, और ये क्या हो गया जीरो, तो लिमिट हमारी क्या होगी जीरो टू वन। फिर इसमें हमने क्या करना है, वन बाई एन को, वन बाई एन को हम क्या लिखेंगे डी एक्स, और यहाँ के बाई एन को हम लिखेंगे एक्स, तो यहाँ हमारे पास सुकेर था, यहाँ सुकेर ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में डी एक्स, डी एक्स किसके स्थान पे, वन बाई एन के स्थान पे डी एक्स, और जो समीशन के स्थान पे इंटीग्रेशन, और डिवाइड में क्या है वन प्लस एक्स, यानी कि के बाई एन को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाए क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब इसका ये जो वैल्यू है ये इस इंटीग्रेशन के बराबर आई है, अब इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या है जीरो टू वन, तो अपर लिमिट रखेंगे टेन इनवर्स वन और माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई फोर, और टेन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, यानी कि ओवरऑल क्या आया पाई बाई फोर। तो इस प्रकार की जो सीरीज है ये हमारे पास, इस प्रकार का जो सम है इसकी लिमिट निकालनी थी, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आई है, हम समीशन से इंटीग्रेशन पे गए और इसकी जो आंसर पाई बाई फोर आया है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।